नमस्ते जी, जय श्री राम, जय रेवत। आज मैं आप सभी को कुछ नमक के बारे में जानकारी देता हूँ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रोज का इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जो घर घर में इस्तेमाल होता है नमक, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं रिफाइंड आदि के नाम से षड्यंत्र जो हमारे देश में चलाए गए थे, उसी प्रकार नमक के नाम से भी षड्यंत्र चला था। मतलब दुनिया भर का कूड़ा कचरा ना सब कुछ ला गया, यहाँ पर डाल दिया गया। हमारे देश में सेंधा नमक प्रयोग होता था घरों में, और वो चीज़ छूट गई। समुद्री नमक जो कि उष्ण गर्म प्रकृति का होता है और काफ़ी नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और उसको एक भ्रांति बांट दी गई कि आयोडीन 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 बस, वरना घेंगा हो जाएगा, यही खाओगे तो घेंगा हो जाएगा तुम्हारे को, ठीक है ना। अब जरा मेरा एक सवाल है, उसका उत्तर देना कि भाई जो आयोडीन वगैरह नमक खाते हैं, यानी कि समुद्री नमक जो खाते हैं, जिसका इतना प्रचार किया गया, उसके बाद में भी लोगों को जो घेंगा और गले गए और जो भी समस्याएं होती हैं, मतलब जो कहते हैं ना इसके बिना तो मैं रोगा, वो फिर भी हो रहे हैं लोगों को, तो उसका उत्तर क्या दोगे अब? क्या उसको और भर भर के दोगे गोलियां उस चीज़ की? मतलब जो चीज़ हमारे देश में करोड़ों सालों से हमारे लोग जो है प्रयोग करते आए हैं, 1,96,00,000,000 साल पुराना जो प्रयोग करते आए हैं उस समय से इस नमक को, सेंधा नमक को, तो उसको क्यों छोड़ दिया भाई लोगों ने, और क्यों कूड़ा डाल लिया घर के अंदर? भाई मैंने तो बहुत साल पहले ही अपने घर से उस कूड़े को फेंक दिया था, ठीक है ना, कभी भी प्रयोग नहीं करता हूँ उसको। कई सालों से सेंधा नमक प्रयोग हो रहा है, जो कि गुणों की खान है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो भाई अभी भी कहता हूँ, हमने घर से वो जो है ना समुद्री नमक, वो कूड़ा है, जहर है, शरीर का सत्यानाश करने वाला है, उसको फेंक दो। एक सफ़ेद नमक और एक सफ़ेद चीनी, ठीक है ना। तो वो जो नमक है ना तुम्हारे पास में समुद्री नमक, उसको फेंक दो, सेंधा नमक के डले लेकर आओ और अपना देसी जुगाड़ लेकर आओ और इसमें मारो हथौड़े इस प्रकार से, ठीक है ना, और इसको मार मार के ऐसे फोड़ फोड़ के, ये देख रहे हो कुछ नहीं लगता, ठीक है ना। 50-100 इसमें थोड़े लगे और ये चूरा होया, बस एक बार फूट जाए उसके, काफी आसानी से ये देख रहे हो क्या लगता है उसको चूरा करते हुए? कुछ नहीं, मेहनत भी नहीं लगती कोई खास इसमें, ठीक है ना। ये तो सबसे कुटाई के मामले में बच्चा सौदा है भाई, इससे ज़्यादा मेहनत तो आंवले में लगती है सबसे ज़्यादा पीसने में। कभी त्रिफला बनाओगे ना, जब देखना आंवले में कितनी मेहनत लगती है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो भाई आसानी से, मतलब आलसी से आदमी को भी कर लेना चाहिए, तो ठीक है ना। देख रहे हो कितना चूरा हो गया ना, बिल्कुल चूरा हो जाएगा। और इसमें 20-30 और मारूंगा थोड़े से, इसमें ये मुसल मारूंगा इस पर भी 20-30 बस, और इसका तुम देखना अभी बनता पाउडर इसका। भाई ये छोटी छोटी चीज़ मैं प्रयोग करता हूँ ना, सोचता हूँ डाल देता हूँ वीडियो कि भाई जो अपने साथ मोर हैं भाई बंद, और कुछ नहीं तो 5-10 बाड़क तो ले आऊँगे अपने घर में, ठीक है ना। सोचो समुद्री नमक उष्ण प्रकृति का, सिर्फ एक आयोडीन के नाम से, और ये 100 गुण पढ़ लेना आप उसमें, उस पर गूगल पर डाल लेना, पता चल जाएंगे, ठीक है ना, क्या क्या गुण है। 100 गुणों वाली चीज छोड़कर, सोचिए श्रेष्ठ चीज छोड़कर हम लोगों ने एकदम जो बिल्कुल ही ये कहा जाए ना मध्यमनी, सबसे निचले दर्जे की जो चीजें थी ना वो अपना ली, ठीक है ना। तो भाई सेंधा नमक है जो प्रयोग करो, ये देख रहे हो बन गया ना पाउडर कती, अब दिखाता हूँ तुम्हारे को, थोड़ी सी रहेगी इंडली लेकिन ये देखो बन गया ना। अब इसमें और मारूंगा चोट 20-25 और ये फिर बन जाएगा एकदम 20-25 क्या मेरे ख्याल से 40-50 लग जाएंगे, मतलब घुमा फिर आगे। बात ये है 10 मिनट में तुम्हारा पिस पिस आगे दूर हो जाएगा, ठीक है भाई। और टीवी में जो ऐड आती है वो चीज़ सही नहीं होती है ज़्यादातर, समझ लेना। जब किस चीज़ का व्यापारीकरण चालू हो जाएगा ना मित्रों, शुद्धता के बारे में भूल जाना, बहुत ही कम होंगे ऐसे निष्ठावान ईश्वर से डरने वाले जो किसी व्यक्ति को गलत चीज़ नहीं देंगे बनाकर, वरना सबको कौन ये सोचते हैं भगवान कौन सा आगे थप्पड़ मार रहा है अभी, है कि नहीं। खैर बाद में उनकी कांच पाजरी तो कर ही देता है, लेकिन तुरंत का दंड चाहिए लोगों को कि तुरंत उसी समय दंड मिले, और वो काम होता है राजा का, कानून व्यवस्था का। और वो तुम्हें मालूम ही है भारत
इंडिया की, माफ करना भारत का तो अभी तक राज आया नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन ये देश सर बन जाएगा, ठीक है ना। तो भाई लाओ कूटो प्रयोग करो और मजे से रहो। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते हैं।